दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे TCL की न्यू सीरीज के बारे में। C6 और P8 दोनों ही टीवियों में 4K टीवी आपको प्रोवाइड कर रहा है TCL। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है फीचर्स और क्या है इसकी प्राइसिंग, कौन कौन से वेरिएंट में आता है, तो इस वीडियो में आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हर वीडियो की तरह थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे अदर ब्रांड से और देखेंगे क्या आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा ब्रांड दे रहा है। और उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स आपको स्क्रीन पे आते रहे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात कर ले TCL के C6 और P8 सीरीज के बारे में। तो C6 में आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, एक है 55 इंच वाला और 65 इंच वाला, और इसके प्राइसिंग के बारे में आगे बताता हूं मैं। और P8 सीरीज की बात करूं तो उसमें आपको 85 इंच का एक ही टीवी आता है। बात कर ले स्पेसिफिकेशन की, दोनों ही टीवी में एंड्रॉइड ओरियो आपको मिल जाएगा 8.0 देखने के लिए, और ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम नहीं चलेगा, लेकिन आप साइड लोड कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं कंटेंट प्रोवाइडर की बात करूं तो इस टीवी में आपको हॉटस्टार, Z5, इरोज नाउ और यूट्यूब, ये सारे के सारे एप्स परफेक्टली चलने वाले और इस टीवी में प्री इंस्टॉल्ड आने वाले हैं। और इस टीवी में आपको डिजिटल प्रीमियम कंटेंट मिलता है। डिजिटल प्रीमियम कंटेंट ऐसा है कि इसमें आपको समझ लीजिए इरोज नाउ, उसमें आपको एक महीने का जो प्रीमियम कंटेंट होते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे इस टीवी में। तो TCL ने उनके साथ टाई अप करके आप लोग के लिए फ्री करवाया है एक महीने के लिए। और बात करो साउंड आउटपुट की, तो दोनों ही सीरीज में आपको 30 वॉट का स्पीकर देखने मिल जाएगा। बात कर ले इंटरनल स्टोरेज की, तो C6 की सीरीज में आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, P8 में भी आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। लेकिन रैम की अगर मैं बात करूं तो C6 में आपको 2.5 GB का रैम मिलता है, उसकी दूसरी तरफ मैं बात करूं P8 में तो P8 में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 GB का रैम देखने मिल जाएगा। बात कर लोगे प्रोसेसर की, तो C6 और P8 दोनों ही में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, और डुअल कोर प्रोसेसर आपको दिया हुआ है ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के लिए। दोस्तों बात कर ले टीवी के रिमोट की, तो दोनों ही सीरीज में आपको एक वॉइस एनेबल रिमोट मिलता है, इसी के साथ साथ आपको गूगल असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाएगा, और आपको इस टीवी दोनों ही टीवी में क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलता है। और दोस्तों दोनों ही टीवी में आपको 10 लाख घंटे तक का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा ही मैंने कहा कि इसमें डिजिटल प्रीमियम कंटेंट है, उसमें एक महीने के लिए आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री में देखने मिलेगा TCL के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपको 25 लैंग्वेजेस में कंटेंट मिलेगा, मतलब आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपको, तो कुल मिला के 25 लैंग्वेजेस के कंटेंट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों बात कर ले पिक्चर क्वालिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा टीवी में, जब भी आप टीवी लोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोल सकते हो, या पिक्चर क्वालिटी की जो टेक्नोलॉजी है इसमें व्हाइट कलर गैमट टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सेम टेक्नोलॉजी JVC की टीवी में भी यूज हुई, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक आ जाएगी, देख सकते हो उस टीवी में। और तो सेम टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है क्या कि कलर आपको काफी रिच देखेंगे, काफी विविड देखेंगे, अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाएगा, अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया हो, तो दोस्तों माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आपका जो पिक्चर क्वालिटी है ईच फ्रेम इनहांस करता है आपके पिक्चर क्वालिटी को, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलेगा, अच्छे अच्छे कलर्स होंगे, और फुल डिटेल में इसमें इस टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जिसके थ्रू आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस हो बहुत अच्छा हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लोकल डिमिंग करके भी फीचर होता है, लोकल डिमिंग ऐसा फीचर है, फिलहाल इस टीवी में नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लोकल डिमिंग के थ्रू होता है कि आपके जो पर्टिकुलर, अगर आप कोई भी डार्क सीन देख रहे हो तो पर्टिकुलर एरिया के जो LEDs होते हैं वहां के बंद हो जाते हैं, जिसके थ्रू आपको डीप और एकदम क्लियर ब्लैक्स देखने मिल जाएंगे। तो लोकल डिमिंग फीचर का ये फायदा होता है। तो C6 में जो सीरीज, इसमें दो वेरिएंट है, एक 55 इंच की और 65 इंच की। तो जो 55 इंच वाली टीवी है वो आपको मिल जाएगी लगभग 60,000 के आसपास, और जो 65 इंच वाली जो टीवी है उसका प्राइस 90,000 रुपए रखा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं P8 सीरीज में, तो उसमें एक ही टीवी है जैसा मैंने बताया 85 इंच वाली, और उसका प्राइस लगभग 2 लाख के आसपास है। तो ये सब उसकी प्राइसिंग है। तो दोस्तों अगर इस सीरीज को, C6 और P8 सीरीज को अगर मैं कंपेयर करूं, P8 को तो कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 लाख रुपए के, तो C6 में अगर 55 इंच वाली टीवी को अगर मैं कंपेयर करूं VU के प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज से, VU के पिक्सेलाइट सीरीज से, या फिर MI 4X Pro से, या JVC की जो स्मार्ट टीवी 55 इंच वाली, तो उसकी प्राइस
अराउंड 42 के आसपास आपको मिल जाता है प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज, और बाकी सीरीज आपको जेवीसी की 37 या 40,000 के आसपास मिल जाते हैं। तो इसमें अभी टीसीएल में ऐसा क्या फीचर है जिसके लिए आपको 60,000 पे करना पड़ रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर आपका प्लान है टीवी लेने का, तो आप अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप वीयू की टीवी, MI4X Pro या JVC, तीनों का मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, वो देख लीजिए, आपको काफी हेल्प हो जाएगी और आपको अच्छे समझ में आएगी कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी। कल के लिए जो TCL की जो सीरीज है C60 55 इंच की, उसका प्राइस 60,000 रखा हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये TCL की सीरीज के बारे में क्या कहना है, ये टीवी आपको अच्छी लगी कैसे लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे काफी हेल्प होगी ब्रांड को इन्फॉर्म करने के लिए कि कैसा व्यूअर का एक्सपीरियंस है, उनकी नीड क्या है, तो ये हम TCL की टीम को अपडेट कर सकते हैं आपके फीडबैक के थ्रू। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, दोनों हाथों से जोर से दबा के लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना था शेयर कर सकते हो। और जो लोग नए हैं उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हैप्पी गाइड फैमिली को, और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, आपको स्क्रीन पे आईडी दिख जाएगी, इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, सारे अपडेट्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगे।